गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंथर्स स्ट्रक्चर। एंथर, स्टेमन का जो फर्टाइल पार्ट होता है उसी को एंथर कहेंगे। इन ए फ्लावर, स्टेमन इज कंसिडर्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट कनेक्टिव एन एंथर। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में माना गया है। और एक स्टेमन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें तीन पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर फिलामेंट से कनेक्टिव के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। एंथर में भी मोनोथिकस और डाइथिकस, एंथर मोनोथिकस भी हो सकता है और डाइथिकस भी हो सकता है। मोनोथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ टू लोक्यूल्स एंड टू स्पोरेंजिया। मोनोथिकस एंथर में दो लोक्यूल्स होते हैं या फिर ये कहें कि दो ही स्पोरेंजिया उसमें डेवलप होती हैं, सो इट इज सेड टू बी बाइलोक्युलर और बाइस्पोरेंजिएट। डायथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर लोक्यूल और फोर स्पोरेंजिया, और डायथिकस एंथर में चार स्पोरेंजिया होती हैं, सो इट इज सेड टू बी टेट्रालोक्युलर और टेट्रास्पोरेंजिएट। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज यूस्पोरेंजिएट। दो तरह का डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एक सेल्स के ग्रुप से होता है, और लेप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल सेल माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करती है। अ वेरी यंग एंथर इन ट्रांसवर्स सेक्शन शोज एपिडर्मिस एंड आर्किस्पोरियम। अगर एक एंथर की, यंग एंथर की टीएस लेते हैं तो उसमें एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियम दो स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। अब एक बार देखते हैं एंथर। एंथर की जो सेल होती है उसमें डिवीज़न होता है एंटीक्लिनर डिवीज़न, जिससे दो सेल्स बनती हैं, एपिडर्मिस एंड आर्किस्पोरियम। एपिडर्मिस एपिडर्मल लेयर्स का निर्माण करती है, और आर्किस्पोरियम में फिर से डिवीज़न होता है तो पेराइटल टिश्यू और स्पोरोजिनस टिश्यू में डिवाइड होती है। पेराइटल टिश्यू एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिडम का निर्माण करता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन्स का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू पोलन मदर सेल में कन्वर्ट होता है, फिर पोलन टेट्राड, और उसी से फिर टेट्राड फ्री होकर के पोलन्स में डेवलप हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि द आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड पेरिक्लिनली गिविंग राइज टू प्राइमरी पेराइटल सेल ऑन द आउटर साइड एंड स्पोरोजिनस सेल टुवार्ड्स द इनर साइड। कि आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है, और पेरिक्लिनल डिवीज़न होने के बाद प्राइमरी पेराइटल सेल बाहर की तरफ और स्पोरोजिनस सेल अंदर की तरफ डेवलप होती है। द सेल्स ऑफ द पेराइटल लेयर डिवाइड पेरिक्लिनली एंटीक्लिनली फॉर्म्स एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिडम। तो जो पेराइटल लेयर बनती है उसमें पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों तरह के डिवीजन्स होते हैं, और एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिडम डेवलप होती है। द सेल्स ऑफ प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड इंटू पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में आगे चलकर पोलन मदर सेल की तरह काम करता है, जिससे फिर पोलन टेट्राड और पोलन्स बनते हैं। अब हम एंथर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो एंथर वॉल, एंथर की जो वॉल होती है उसमें कई सारी वॉल्स, कई सारी लेयर्स होती हैं। इसमें चार तरह की लेयर होंगी, एपिडर्मल लेयर, एंडोथीशियम लेयर, मिडिल लेयर और टेपिटम। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपके सामने एंथर की टीएस की स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम और बीच में माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये सभी माइक्रोस्पोरेंजिया जो लॉक्यूल्स हैं एंथर के, वो बीच में कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़े हुए हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो माइक्रोस्पोरेंजिया पे एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक कोशिकीय परत होती है, और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। एपिडर्मिस का मुख्य काम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन देना। अब उसके बाद में आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की सेल्स में अल्फा सेल्यूलोज का निक्षेपण पाया जाता है। अल्फा सेल्यूलोज के निक्षेपण की वजह से एंडोथीशियम की सेल्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, आर्द्रता ग्राही होती हैं। तो ये वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके माइक्रोस्पोरेंजिया के
माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स और वी कैन से पोलन्स के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। अब अगली आती है मिडिल लेयर, 1-3 लेयर्ड होती है मिडिल लेयर, और टेपिटम फोर्थ लेयर। टेपिटम दो तरह का होता है जिसपे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टेपिटम का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है पोलन ग्रेन्स परागकणों को पोषण प्रदान करना। जब परागकणों का निर्माण हो रहा होता है तो टेपिटम उनको पोषण देने का काम करती है। तो ये थी एंथर की स्ट्रक्चर। थैंक यू।